Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all doing well. So in this video I'll be talking about a anti-aging cream. Now it's not meant for 30 plus people. Like if you are 20 plus or 25 plus, still you can use this cream. And this one is from Olay ka age protect anti-aging cream. Now a lot of you ask me ki you know Olay ke products sirf anti-aging ke liye hi hote hain ya unko normal 25 wali age ke log bhi use kar sakte hain. So guys jo का रीजनरेस्ट वाला रेंज है वो 30 प्लस पीपल के लिए है या लेट 20s के लिए है. बट इफ़ यू आर इनटू योर अर्ली 20s और इफ़ यू आर 25 प्लस देन यू कैन स्टार्ट दीज एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम ओले. वन ऑप्शन इज दिस विच आई एम गोना टॉक अबाउट टुडे. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन गो फॉर द येलो पम्प वाला पैकेजिंग जो इनका आता है ओले का, आप उनकी तरफ भी जा सकते हो. सो आज ही मैंने लेटेस्ट ही ट्राई किया था ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. सो अभी आई थिंक इसको काफ़ी टाइम हो गया मुझे यूज़ करते हुए. आई थिंक नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम टू गिव यू द रिव्यू. सो आई विल टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट टुडे. इट्स द ओले एज प्रोटेक्ट एंटी एजिंग क्रीम. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो गाइज, इफ यू हैवन सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू हिट ऑन दैट red subscribe button down below and click on the notification bell as well so you never miss any of my videos. And if you haven't followed me on Instagram, then come and say hi and let's be friends there as well. Now without wasting a minute, let's get started. So let's start with the packaging first. So that's how the outer box looks like. ये black and yellow color की packaging में आता है and all of the information is given on the back. And I'm so sorry, light चली गई यार. So anyways, I hope ये balcony की light sufficient है. So जो ingredients हैं वो यहाँ नीचे इसके box के दे रखे हैं. So that's how this outer box looks like. Now that's the inside tub. You can see ये regular जो इनकी moisturizing cream है उसके जैसा ही इसका packaging है. ये ऊपर आप देख सकते हो black color का cap है and नीचे ये white color की body है. Side का product आप देख सकते हो, it's not at all thick, it's not at all runny. It's very very light weighted. You see, very light weighted. बहुत ही लाइट कंसिस्टेंसी है गाइज, आप देख सकते हो. ये बिल्कुल भी थिक क्रीम नहीं है. अगर आपने ओले की जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है अगर आपने वो यूज़ करी है, उसका कंसिस्टेंसी थोड़ा सा थिक है, स्लाइटली थिकर देन दिस वन. बट ये वाला बहुत ही लाइट वेटेड है. यू सी, इट फील्स लाइक जेल. एंड एक बार अब्जॉर्ब हो जाता है देन ज़्यादा हैवी फील नहीं होता है एंड ज़्यादा चिपचिपी फील नहीं होती है. एंड फ्रेगरेंस की बात करूँ तो यू गाइज नो आई लव ओले के प्रोडक्ट्स का फ्रेगरेंस. एंड इसका बहुत ही माइल्ड, बहुत ही प्यारा सूदिंग सा फ्रेगरेंस है, नॉट एट ऑल दैट ओवर पावरिंग. एंड वंस इट्स अब्जॉर्ब्ड यू कैन सी यहाँ पे कुछ भी आपको चिपचिप नहीं फील होगी. सो आई थिंक ये वाला जो प्रोडक्ट है, दिस गोना सूट ऑल स्किन टाइप्स, इवन द ऑयली पर्सन एज वेल, बिकॉज यू जस्ट नीड अ लिटल बिट एंड यू आर डन. सो आई थिंक मॉइस्चराइजर्स में आपको ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए. इस तरह के जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं, लाइक दिस प्रोडक्ट रिटेल्स फॉर 320 रुपीज़ फॉर 40 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट. सो आई थिंक बहुत ही अफोर्डेबल है एंड दो इट हैज़ एंटी एजिंग इन्ग्रीडियंट्स एज वेल. ओके, सो वन मोर थिंग दे हैव मेंशन ऑन दिस आउटर बॉक्स, दे हैव सेड दैट इट कंटेन बीटा हाइड्रोक्सी दैट स्टिमुलेट स्किन्स नेचुरल रिन्यूअल प्रोसेस टू विजिबली reduce the fine lines and the wrinkles and it gonna help in lighten up your spots and it gonna improve your skin tone within 4 weeks. So it gonna lighten up your dark spots, it gonna reduce your wrinkles, it gonna improve your skin tone and it gonna give you the radiant glowing skin. Action of use is very simple. After cleaning you can directly use this cream. Aap inka face wash use kar sakte ho, the yellow wala jo is tarah ki hi packaging mein aata hai, and then after you can moisturize your skin. So it's a very simple skincare routine, like wash your face and then apply this
you're good to go. No need to have toners, no serum, nothing. So to be very honest, I haven't taken challenge with this. So I think for the age of 20 to 25, I think ye wala product aapko perfectly suit kar jayega. And to start with an anti-aging routine, or you wanted to incorporate any anti-aging product to your skincare, then of course you can go for this one, because as I told you, it has a very very light texture. So all skin types ko perfectly suit kar jayega. Even main abhi isko use karti hun, to be very honest with you guys, I am 30, I am going to 31 in a couple of months, but for my age, I think now right now my skin is very very dry. You guys know main bhi breast feed karati hun apni baby ko, so that's why mera skin bahut zyada dry ho gaya hai. So uski wajah se mujhe ye thoda, you know, उतना मॉइस्चराइजिंग नहीं लगता है. बट आई फील अगर ये मेरा फीडिंग वाला ना होता और मेरे वो इंटरनल जो ड्राइनेस है वो ना होती, तो आई थिंक ये मेरे को भी परफेक्टली सूट कर जाता. बट इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ 20 और 25 के बीच के रेंज के हैं, लाइक एंड दे वॉन्टेड टू इनकॉर्पोरेट एनी एंटी एजिंग प्रोडक्ट, सो आई थिंक यू कैन गो फॉर दिस वन. दिस वन इज़ अ रियली गुड ऑप्शन एंड इट्स अ रियली रियली अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर. और थिंक गाइज, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से रिलेटेड सारी वीडियोज़ डाल रखी हैं, तो आप एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लेना. जो भी अदर रिलेटेड वीडियोज़ मैंने डाली हैं आप उसमें चेक कर सकते हो. आपको जो भी ओले के प्रोडक्ट्स की वीडियोस देखनी है आप चेक कर सकते हैं. दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो लाइक जरूर मार देना. और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को ग्रे कर दो. इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो. सो अब मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय.